तुला राशि वालों नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तुला राशि वालों दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हैं माता रानी के आशीर्वाद से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और तुला राशि वालों, धन की देवी माता रानी लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करें। और आपके लिए दिन रात गुहार लगाते हैं कि हे माता रानी, आप किसी को भी निराश मत रखना, किसी को भी उदास मत रखना, खासकर उन लोगों को माता रानी जिनका सहारा केवल आप ही हो। तुला राशि वालों बधाई हो, आज शाम 5:49 के बाद धन की देवी माता रानी लक्ष्मी जी आपके घर आ रही है। जी हाँ तुला राशि वालों, माता रानी लक्ष्मी जी आपका पूरा घर पैसों से भर देगी, लेकिन उसके लिए आपको कुछ विशेष बातों को ध्यान में रखना होगा जो आगे इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। उनके स्वागत में कोई भी गलती मत करना और ना ही कोई कमी रहने देना, क्योंकि दोस्तों धन की देवी माता रानी लक्ष्मी जी अब आपको धरती पर ही वो सुख देने वाले हैं जिन सुखों के बारे में आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, आप बहुत ही भाग्यशाली हैं, बहुत ही लकी हैं, जो कि दोस्तों धन की देवी माता रानी लक्ष्मी जी आपके घर आगमन हो रही है। क्योंकि दोस्तों धन की देवी माता रानी लक्ष्मी जी सभी के घर नहीं जाती है। जी हाँ, अगर वो आपके घर आ रही है तो आपको माला माल बनाकर ही छोड़ेंगी। जी हाँ दोस्तों जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, धन की देवी माता रानी लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपको मिलने वाली है बहुत बड़ी खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, आज शाम 5:49 के बाद कलयुग में पहली बार अब आपको वो संकेत मिलने वाला है, यूं कहें तो आपका भाग्य ही बदलने वाला है, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरियां आपके घर झांक रही हैं। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, इस समय गुरु पुष्य अमृत और सर्वार्थ सिद्धि योग बना है, जो कि दोस्तों इस योग से धन की देवी माता रानी लक्ष्मी जी का आशीर्वाद पड़ने वाली है। अब आपके जीवन में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की होने वाली है। जी हाँ दोस्तों आगे वीडियो में सब कुछ विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक जरूर प्रदान कीजिएगा और नीचे कमेंट सेक्शन में धन की देवी माता रानी लक्ष्मी जी का जय जयकारा जरूर लगाइएगा। इससे माता रानी लक्ष्मी जी अपना कृपा दृष्टि हमेशा आपके ऊपर बनाए रखेगी, तो आप जरूर लिखिएगा। आइए दोस्तों बात करते हैं। तुला राशि वालों, धन की देवी माता रानी लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आज शाम 5:49 के बाद आपको कई बड़ी खुशखबरी एक साथ मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों क्योंकि धन की देवी माता रानी लक्ष्मी जी का आगमन आपके घर हो रही है, यानी कि कहने का तात्पर्य है कि आपके घर धन का आगमन हो रही है। आज आप इतना जरूर ध्यान रखिएगा कि आपके घर से कोई नाराज होकर ना लौटे और ना ही आज आप किसी को अपमानित करें, नहीं तो धन की देवी माता रानी लक्ष्मी जी आपसे नाराज हो सकती है। जी हाँ दोस्तों धन की देवी माता रानी लक्ष्मी जी आज आपको इतना कुछ देने वाले हैं जो कि आपका घर पूरा घर धन दौलत से और रुपये पैसे से भर जाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आज शाम 5:49 के बाद का समय आपके लिए धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। सितारे कहते हैं ये समय आपको धन दौलत मिलने वाला है, चाहे किसी भी क्षेत्र में आपको मिले, लेकिन आज आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि दोस्तों ये समय आपको लाभ होगा, आपकी आमदनी में वृद्धि होगी। चाहे फंसा हुआ धन मिले या फिर रुका हुआ धन मिले या फिर अचानक से लाभ हो, लेकिन आज आपको धन लाभ जरूर होगा, क्योंकि दोस्तों आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। यदि आप किसी नए काम की शुरुआत करना चाहती हैं तो उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी,
और आय के नए नए स्रोत प्राप्त होंगे। आपकी किसी नए काम की शुरुआत करने की आदत आज आपको समस्या दे सकती है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आप किसी से उधार लेने से बचिएगा, नहीं तो आगे चलकर आपके लिए दिक्कत हो सकती है। और आज आप ना ही किसी को उधार दें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। बिजनेस कर रहे लोगों को किसी के साझेदार बनाने से बचना होगा, नहीं तो वो उन्हें धोखा दे सकता है। जी हाँ, आपका कोई मित्र आपसे लंबे समय बाद मेल मुलाकात करने आ सकता है। जी हाँ, जिससे आपको खुशी महसूस होगी। वही दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को कुछ अन्य लोगों से मेल जोल बढ़ाने का मौका मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, और व्यापार में भी आपको कोई नया अनुबंध मिल सकता है। लेकिन आपके घर परिवार में आज किसी शुभ मांगलिक कार्यक्रम होने से आप थोड़ा व्यस्त रहेंगे, बिजी रहेंगे, लेकिन फिर भी आप अपने कामों के प्रति पूरी मेहनत व लगन से जुड़े रहेंगे, जिससे आपको लाभ होगा। जी हाँ दोस्तों, आज का दिन अविवाहित जातकों के लिए समय काफी उत्तम रहने वाला है। विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। माता जी की सेहत में गिरावट रहने के कारण आपका मन परेशान रहेगा। जी हाँ दोस्तों, और आज का दिन प्रेम जीवन जी रहे लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपको अपने किसी परिजन से बातचीत करते समय वाणी की मधुरता को बनाए रखना होगा, और आप अपने कामों के प्रति गंभीरता से सोच विचार करें, नहीं तो आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। बिना सोचे समझे आज आप कोई भी काम ना करें, नहीं तो दिक्कत होगा। जी हाँ, वैसे तो समस्या नहीं होगी, क्योंकि धन की देवी माता रानी लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपके ऊपर पड़ रही है, उनका हाथ आपके सर पर है। फिर भी आप सावधानी पूर्वक कीजिएगा, आपके लिए बेहतर रहेगा। यदि आपको कोई काम लंबे समय से रुका हुआ था तो वह भी पूरा होगा, धन की देवी माता रानी लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से। जी हाँ दोस्तों, और विद्यार्थियों को यदि किसी प्रतियोगिता में भाग लिया है तो उसमें उन्हें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। लेकिन आप किसी की कही सुनी बातों में आकर कोई बड़ा निर्णय ना लें, नहीं तो आपको दिक्कत होगा। जी हाँ, आज का दिन आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है, उत्तम रूप से फलदायक रहने वाला है। जी हाँ, आपको कार्य क्षेत्र में किसी भी योजना में धन लगाने से पीछे नहीं होना है, और आप परिवार के सदस्यों के साथ किसी यात्रा पर भी जा सकती हैं। जी हाँ, जो कि आपके लिए लाभदायक रहेगी। लेकिन यदि आपकी कोई वस्तु खो गई थी तो वह आपको प्राप्त हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, यात्रा अगर कर रहे हैं तो आज आप अपने सामानों का अधिक से अधिक ख्याल रखें। जी हाँ दोस्तों, भाई या बहनों की ओर से आपको कोई शुभ समाचार सुनने को मिल सकती है। आपका कोई मित्र आपसे लंबे समय बाद किसी निवेश संबंधी योजना को लेकर बातचीत कर सकता है। जी हाँ, जिसमें आपको सोच समझकर ही कार्य करना होगा। व्यवसाय कर रहे लोग किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा ना करें, चाहे आपका करीबी ही क्यों ना हो, लेकिन भरोसा आंख मूंद कर नहीं करना है। सितारे कहते हैं आज का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है, और पारिवारिक जीवन सुखमय रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, परिवार में आपको सभी सदस्यों से बीच तालमेल बनाए रखना होगा, जिसके लिए आपको कुछ बातों को नजरअंदाज भी करना होगा। जी हाँ दोस्तों, आपके किसी भाई या बहन के सहयोग से आपका कोई काम पूरा हो सकता है। यदि आप धन संपत्ति संबंधित समस्याओं को लेकर परेशान चल रहे हैं तो उसमें भी आपका कोई मित्र आपकी मदद कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन किसी संपत्ति संबंधित विवाद में आपको कुछ समस्या आ सकती है, लेकिन समस्या धीरे धीरे अपने आप खत्म हो जाएगी, उसके लिए आपको व्यर्थ की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जो आपके भाग्य में है वो आपके पास भाग कर चला आएगा, और जो आपके भाग्य में नहीं है वो आकर भी भाग जाएगा। इतना जरूर ध्यान रखिएगा, होगा वही जो राम रची रखा है। सितारे कहते हैं आज का दिन आपके लिए तरक्की लेकर आने वाला है।
कार्य क्षेत्र में आपके पद व प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। अधिकारी भी आपके कामों से काफी ज्यादा प्रसन्न रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, जीवन साथी के कैरियर में आपको बहुत बड़ा, बहुत ही अच्छा उछाल देखने को मिलेगा। और व्यापार कर रहे लोग अपने कामों को लेकर छोटी दूरी यात्रा पर भी जा सकते हैं, जो कि यात्रा आपके लिए लाभदायक रहेगी। जी हाँ दोस्तों, आप किसी को बिना मांगे आज सलाह ना दें। जी हाँ दोस्तों, नहीं तो समस्या हो सकती है, और ये समस्या आपको अभी नहीं होगी, बाद में आपको समस्या हो सकती है। और कुछ महिला मित्र से आज आप सावधानी बरतें, नहीं तो वो आपकी चुगली लगा सकती है। जी हाँ दोस्तों, सितारे कहते हैं आज आप महिलाओं से जरा सावधान रहिएगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आज का दिन आपके लिए सेहत के लिहाज से थोड़ा सा नरम रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, और आपका कोई मित्र लंबे समय बाद मेल मुलाकात करने आ सकता है, और परिवार में किसी सदस्य के विवाह प्रस्ताव पर मुहर लगने से माहौल काफी खुशनुमा रहेगा। लेकिन आप किसी से कोई वादा या वचन ना करें। जी हाँ, नहीं तो उसे पूरा करने में आपको समस्या होगी। कार्य क्षेत्र में आपको एक से अधिक स्रोतों से आय प्राप्त होने से खुशी होगी। किसी परिवार के सदस्य की ओर से कार्य क्षेत्र में कोई सम्मान मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को आज कोई शुभ समाचार सुनने को मिल सकती है, जिससे उनका मन काफी ज्यादा खुश रहेगा। जी हाँ, तो दोस्तों आज का दिन आपके लिए कुछ इस तरह से रहने वाला है। अगर जानकारियां अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर प्रदान करें। धन्यवाद। दिन आपका शुभ हो। माता रानी आपके सभी सपने जल्द ही साकार करें। धन्यवाद।